साथियों, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है MCQs ऑन लैंडस्केप स्केपिंग एंड ऑर्नामेंटल प्लांट। जो बहुत अच्छे बागवानी हैं और जो सौंदर्य या जो सौंदर्य वाले पौधे हैं जो जिनका उपयोग लैंडस्केपिंग में किया जाता है, उन पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे जो पहला प्रश्न है वो है, लाल बाग गार्डन इज लोकेटेड एट लाल बाग उद्यान में स्थित है। लाल बाग उद्यान कहाँ स्थित है? तो दिल्ली, आगरा, चंडीगढ़ या बेंगलोर। तो लाल बाग गार्डन जो है वो स्थित है हमारा बेंगलोर में। कहाँ स्थित है? बेंगलोर में, जहाँ का जो स्पेशल फीचर है लाल बाग का वो है लार्ज ग्लास हाउस। लार्ज ग्लास हाउस इसका स्पेशल फीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रॉक गार्डन वाज डेवलप बाय, रॉक गार्डन के द्वारा विकसित किया गया था। तो जो रॉक गार्डन है वो किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये ऑप्शन है सर एडविन ल्यूटियंस, के मोरी, उस्ताद अहमद लाहौरी या नेक्शन। तो जो रॉक गार्डन है वो डेवलप किया गया था ऑप्शन डी, नेक्शन के द्वारा। नेक्स्ट आता है, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड आर स्पेशल फीचर ऑफ, चौकोर और आयताकार फूलों की क्यारियाँ की विशेषताएँ। तो किसकी विशेषताएँ? तो जेपनीज गार्डन, इंग्लिश गार्डन, मुगल गार्डन या इटालियन गार्डन। तो जो स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर शेप है ये जनरली होता है फॉर्मल गार्डन में। तो जो हमारा फॉर्मल गार्डन है वो है मुगल गार्डन, बाकी ये जापानीज गार्डन, इंग्लिश गार्डन और इटालियन गार्डन जो है इनफॉर्मल गार्डन है। नेक्स्ट आता है, वृंदावन गार्डन वाज डेडिकेटेड टू, वृंदावन गार्डन को समर्पित है, किसको समर्पित है? तो भगवान शिव, भगवान राम, भगवान बुद्ध या भगवान श्री कृष्ण। तो जो वृंदावन गार्डन है वो भगवान कृष्ण को समर्पित है। आर्टिफिशियल लॉन इज आल्सो कॉल्ड, कृत्रिम लॉन को के नाम से भी जाना जाता है। कृत्रिम लॉन को किस नाम से जाना जाता है? जो कृत्रिम लॉन है वो किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है ब्लू टर्फ, एस्ट्रोटर्फ, मल्चिंग, पलवार या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा जो आंसर है वो है एस्ट्रोटर्फ। जो आर्टिफिशियल लॉन है, जो आर्टिफिशियल लॉन है उसको एस्ट्रोटर्फ के नाम से भी जाना जाता है। द अट्रैक्शन व्यूवर्स टू पॉइंट फ्रॉम वेयर अ सिंगल व्यू कैन बी सीन, दर्शकों को एक ऐसे बिंदु पर आकर्षित करता है जहाँ से एक एकल दृश्य देखा जा सकता है, जहाँ से कि एक एकल दृश्य देखा जाता है। तो इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? तो इस पॉइंट को बोला जाता है फोकल पॉइंट। इन फॉर्मल गार्डन लाइन्स आर, फॉर्मल गार्डन में लाइन होती है। तो फॉर्मल गार्डन का जो लाइन है उसको कैसी होती है? तो फॉर्मल गार्डन की जो लाइन है वो कैसी होती है? ऑप्शन ए है स्ट्रेट, एकदम सीधी, ज़िगज़ैग, टेढ़ी मेढ़ी या मुड़ी हुई या अनुपस्थित। तो जो फॉर्मल गार्डन में जो लाइन है वो होती है एकदम सीधी, इसको एक्सिस लाइन या सेंटर लाइन भी बोला जाता है, जो एकदम सीधी होती है। वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ताज गार्डन इज एग्जांपल ऑफ, तो ताज गार्डन इज एग्जांपल ऑफ कौन से स्टाइल गार्डन का एग्जांपल है? फॉर्मल गार्डन, इनफॉर्मल गार्डन, वाइल्ड स्टाइल गार्डन या इनमें से कोई नहीं। तो जो ताज गार्डन है वो एग्जांपल है फॉर्मल गार्डन का, फॉर्मल स्टाइल गार्डन है ताज गार्डन। नेक्स्ट आता है, विच इम्प्लीमेंट इज यूज फॉर मूविंग लॉन, किस उपकरण का उपयोग हरियाली की कटाई के लिए किया जाता है? सिकेचियर, लॉन मोवर, ट्री फूनर या गार्डन नाइफ। तो लॉन मोवर है, जो लॉन मोवर है उसका उपयोग किया जाता है किसके लिए? लॉन की कटाई के लिए। देयर आर थ्री मेजर एलिमेंट वाइज वाटर, स्टोन एंड प्लांट्स इन गार्डन, किस गार्डन में पानी, पत्थर और पौधे गार्डन के प्रमुख तत्व हैं? स्पेनिश गार्डन, इंग्लिश गार्डन, जापानीज गार्डन या मुगल गार्डन। पानी, पत्थर और प्लांट किसके हैं? जापानीज गार्डन के। द मेन अट्रैक्शन फीचर ऑफ वृंदावन गार्डन, वृंदावन गार्डन में मुख्य आकर्षण का केंद्र कौन है? तो वृंदावन गार्डन मुख्य आकर्षण का केंद्र कौन सा है? ऑप्शन ए है कलरफुल फाउंटेन, लार्ज ग्लास हाउस, बिग स्टैचू या बिग टोफायरी। तो जो कलरफुल फाउंटेन है वो वृंदावन गार्डन का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। इन जापानीज गार्डन ब्रिज इज, जापानीज गार्डन में ब्रिज किस आकार के होते हैं? तो जापानीज गार्डन में ब्रिज किस आकार के होते हैं? ऑप्शन है ओवल शेप, राउंड शेप, आर्च शेप, मेहराबदार और इनमें से कोई नहीं। तो जो आंसर सी है वो है मेहराबदार, आर्च शेप, जो मेहराबदार है उसी प्रकार के ब्रिज होते हैं जापानीज गार्डन में। ग्लेडियोलस इज कॉमर्शियली प्रोपोगेट
पाए जो ग्लेडियोलस है कॉमर्शियली प्रोपोगेट बाय किसके द्वारा होता है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया। ऑप्शन ए है सकर्स, सीड, बडिंग एंड कोर्म। मतलब तो जो ग्लेडियोलस है उसका प्रोपोगेशन होता है कोर्म घन गंध के द्वारा। नेक्स्ट आता है बारदारी इज कैनोपाइड बिल्डिंग विथ ओपन डोर्स। जो बारदारी है उसमें कितने खुले दरवाजे होते हैं। तो बारदारी में खुले दरवाजे कितने होते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और सेम 6 और 6 12। तो इसका जो आंसर है वो है 12 ओपन डोर्स। इसमें 12 ओपन डोर होते हैं जो एक केनोपाइट स्ट्रक्चर वाली खुली जगह होती है जिसका उपयोग पुराने समय में कई कार्यक्रमों को करने के लिए होता था बड़े बड़े महलों में। फॉर विच स्टाइल ऑफ गार्डनिंग फर्स्ट प्लान इज मेड ऑन पेपर। किस गार्डन शैली की योजना पहले कागज़ पर बनाई जाती है। ऑप्शन ए है फ्री स्टाइल, वाइल्ड स्टाइल, फॉर्मल गार्डन या इनफॉर्मल गार्डन। या तो सबसे पहले जो फॉर्मल स्टाइल गार्डन है उसकी जो योजना है वो बनाई जाती है कागज़ पर। नेक्स्ट आता है क्राइजेंथेमस कॉमर्शियली प्रोपोगेटेड बाय। क्राइजेंथेमस कॉमर्शियली प्रोपोगेटेड बाय, तो कॉमर्शियली प्रोपोगेट बाय टर्मिनल कटिंग। गुलदाउदी के जो प्रोपोगेशन होता है वो होता है टर्मिनल कटिंग के द्वारा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ जापानीज गार्डन। निम्नलिखित में से कौन जापानीज उद्यान का हिस्सा नहीं है। हिल गार्डन, सैंड गार्डन, टी गार्डन या भोग गार्डन। तो जो भोग गार्डन है वो जापानीज गार्डन का हिस्सा नहीं है। सैंड गार्डन, हिल गार्डन और टी गार्डन ये जापानीज गार्डन के प्रकार होते हैं। टी गार्डन, हिल गार्डन और सैंड गार्डन ये जापानीज गार्डन के प्रकार हैं, जबकि जो भोग गार्डन है वो जापानीज गार्डन में नहीं आता है। द मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर ऑफ लाल बाग। ऑप्शन ए कलरफुल फाउंटेन, लार्ज ग्लास हाउस, बिग स्टैच्यू और बिग टोपायरी। तो जो लाल बाग का जो अट्रैक्टिव फीचर है वो है क्या है, वो है लार्ज ग्लास हाउस, वो है लार्ज ग्लास हाउस। द राष्ट्रपति भवन गार्डन वाज डिजाइन बाय। राष्ट्रपति भवन उद्यान के द्वारा डिजाइन किया गया। तो ऑप्शन है सर एडविन ल्यूटियंस, के मौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी और नेकचंद। तो जो ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि राष्ट्रपति भवन गार्डन को किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है, तो ये डिज़ाइन किया गया है सर एडविन ल्यूटियंस के द्वारा। विच गार्डन इज नोन एज द गार्डन ऑफ लव। किस गार्डन को प्यार का बगीचा भी कहा जाता है। ऑप्शन है ताज गार्डन या ताज बाग, शालीमार बाग, रोज़ गार्डन या रोक गार्डन। तो जो शालीमार बाग है उसको गार्डन ऑफ लव के नाम से भी जाना जाता है। पिंजौर गार्डन वाज लेआउट आउट बाय। पिंजौर गार्डन बगीचों को के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए है के मौरी, बी फिदाई खान, सी महाराजा हरी सिंह और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो पिंजौर गार्डन है वो फिदाई खान के द्वारा बनाया गया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्थेटिक प्लांटिंग वाज गिवन बाय। जैव सौंदर्य नियोजन की योजना अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। ऑप्शन ए एम एस रंधावा, लुसेंट हैगबोन, जूलियस है इनमें से कोई नहीं। तो जो लुसेंट हैगबोन है बी ऑप्शन, उन्हीं के द्वारा बायोस्थेटिक प्लांटिंग प्लानिंग की का कॉन्सेप्ट दिया गया था। नेक्स्ट आता है कॉटेज, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉटेज गार्डन। कॉटेज गार्डन का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन है जी जे के लिए, रॉबर्ट ब्राउन, के एल चड्डा और सर एडविन ल्यूटियंस। तो जो जी जे के लिए उनके द्वारा कॉटेज गार्डन की अवधारणा जो कॉन्सेप्ट दिया गया था। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज काइंड ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट। निम्न में से कौन सी एक प्रकार फ्लावर अरेंजमेंट की एक विधि है। फर्स्ट है इकेबाना, टोफायरी, बोनसा या हैस। तो जो इकेबाना है वो फ्लावर अरेंजमेंट का एक मेथड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बोनसाई स्टाइल। ऑप्शन ए राफ्ट, ऑप्शन बी वाइंड सेफ्ट, ऑप्शन सी बूम ब्रूम स्टाइल। तो ये तीनों तो बोनसाई के स्टाइल है, जबकि जो चौथा है ग्लोबुलर वो बोनसाई की स्टाइल नहीं है। जो ग्लोबुलर है वो बोनसाई की स्टाइल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज श्रब इज सुटेबल फॉर बोनसाई मेकिंग। निम्नलिखित से कौन सी झाड़ी बोनसाई मेकिंग के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन है बोगनवेलिया, मोगरा, कनेर। तो जो बोगनवेलिया है वो बोनसाई मेकिंग के लिए उपयुक्त श्रब है। लोन इज आल्सो कॉल्ड या लोन इज आल्सो कॉल्ड ऑफ गार्डन। लोन को बगीचे का भी कहा जाता है। ऑप्शन है मुकुट, क्राउन, हार्ट, फोकस केंद्र या सिंबल। तो इसको हार्ट ऑफ गार्डन भी कहा जाता है। जो लोन है उसको हार्ट ऑफ गार्डन भी कहा जाता है।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।